सो गाइस, आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। आज तारीख सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 15 दिसंबर है। और यहाँ पे चलिए सबसे पहले 15 दिसंबर में क्या कुछ होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 47,200। तो यहाँ पे दोस्तों 47,200 चल रहा है, हमें यहाँ पे नज़र रखनी है 48,345 पर। 48,345 के ऊपर जब तक प्राइस रहेगा तब तक यहाँ पर हम बुलिश रहेंगे। 48,000 के ऊपर ही प्राइस रहना चाहिए तभी ये 51-52 का आंकड़ा, यहाँ पे जो 52 पर हैवी रेजिस्टेंस है, 53 पर उसको हम ब्रेक कर पाएंगे। यदि ये 48,000 वाला जो सपोर्ट है, 48,000 इसके नीचे रहता है तो बहुत जल्द हम यहाँ पे 42 से 40 हज़ार डॉलर पे आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, 42 से 40 हज़ार डॉलर सपोर्ट आ सकता है यदि 48,345 के ऊपर प्राइस नहीं रहता है। और ये अभी चौकी पंप इतना बड़ा आया है, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं यहाँ पे जल्दी से आपको बता देता हूँ। उसके पीछे रीजन यहाँ पे है, टेस्ला की तरफ से यहाँ पे न्यूज आ रही है, आपको भी पता चल गया होगा, हमने प्रीमियम क्रिप्टो वाला टेलीग्राम चैनल पे बता ही दिया था। टेलीग्राम चैनल पे अपडेट आपको फटाफट मिलती रहती हैं। टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर रखें और कुछ सीखने के उद्देश्य से ही उसको ज्वाइन करें, अन्यथा मत सोच ज्वाइन करें। यहाँ पे टेस्ला अपनी डोज कॉइन पेमेंट को तौर पर एक्सेप्ट करने वाला है मर्चेंडाइज के लिए। मर्चेंडाइज क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ें मतलब मर्चेंडाइज में ली जा सकती हैं, जैसे कि अपनी शर्ट हो गया, इस तरह से बेचना, उस पर टैटू टू लगा करके कुछ भी करना, तो ये मर्चेंडाइज के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे टेस्ला जो है वो मर्चेंडाइज जो होगी टेस्ला की, उसमें जो भी पैसा मतलब एक्सेप्ट करना होगा वो डोज कॉइन के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकेगा। ये ऑफिशियल ट्वीट आया है 4:04 पर 14 दिसंबर को। तो दोस्तों ये है एलॉन मस्क की तरफ। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो वॉल्यूम मार्केट उतना नहीं है, तो ये प्राइस ज़्यादा देर तक उस समय तक रह ही नहीं पाएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो है एक तरीके से मार्केट में पंप क्रिएट करने के लिए या फिर अपना बैग इन्होंने पहले ही फुल कर लिया होगा, और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएंगे ऊपर पीक पर जा करके, ये अपना सेल करके निकल लेंगे। इसलिए कहता हूँ कि लर्निंग करो, ना कि ये बेवकूफ़ी वाली हरकतें करो, टेक्नोलॉजी को पहले समझो। इसी तरह से यदि इन्फ्लुएंसर के कहने पर आप आ जाओगे तो वो आपको ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए कहता हूँ सीखो। और सीखने की बात आ जाती है तो आपको मैं बता दूँ, हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम शरद कटियार है। इस यूट्यूब चैनल को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और मैं आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए शरद कटियार इस तरह से। और इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, आपसे इस चैनल पर मैं ला रहा हूँ ऐसा कंटेंट, ब्लॉकचेन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर, ब्लॉकचेन कोर्स। इसमें 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, 2 एपिसोड पढ़ चुके हैं, तो इनको लगातार कंटिन्यू देखते रहिए। और ये मार्केट इसलिए नीचे नहीं आई ताकि ये पंप कब करेगी, ये इसलिए यहाँ पे मार्केट ने आपको मौका दिया है, समय दिया है, तो इसका सदुपयोग कीजिए और इन वीडियो को लगातार सीखते जाइए। दूसरे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, और यहाँ पे हाईएस्ट लेवल का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ना कि 50-60 डॉलर में आपको बेचा जाए। तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है तेजस प्राइस एनालिसिस। यहाँ पे RSI बुलिश डाइवर्जेंस बनना, यहाँ पे कह रहे हैं कि रैली आ सकती है। हालांकि इनका हम एनालिसिस देख लेते हैं, इन्होंने किस तरह से यहाँ पे एनालिसिस किया है। तो यहाँ पे RSI ये बता रहे हैं कि RSI यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना रही है। यहाँ पे देखिए तो RSI 50 के नीचे जा चुकी है, और यहाँ पे यदि कटाक्ष इसका देखें तो यहाँ पे जब जब रैली को यहाँ पे आई है तो उसके पहले क्या हुआ है, रेड वाली लाइन ने यहाँ पे वाइट वाली लाइन को क्रॉस किया है, लेकिन लेकिन यहाँ पे तो उल्टा इसका जब अपोजिट हो रहा है। हालांकि ये पता नहीं किस तरह से कह रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए जब रेड वाली लाइन को वाइट वाली लाइन ने यहाँ पे क्रॉस किया था तब यहाँ पे नीचे प्राइस गया है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं बुलिश डाइवर्जेंस, ये सिर्फ RSI के आधार पर कह रहे हैं। तो RSI के आधार पर हालांकि यहाँ पे यदि कटाच का यदि बात की जाए तो यहाँ पे 200 डेली मूविंग एवरेज को यहाँ पे मूविंग 200 डेली मूविंग एवरेज जब रेड वाली लाइन को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे तो नीचे डंप आया है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि पंप आएगा। हालांकि देख लेते हैं, हालांकि वैसे देखा जाए तो बुलिश डाइवर्जेंस ये RSI के तौर पर बता रहे हैं, आप वरना समझ लीजिएगा। वैसे ये लोएस्ट है नियर तेजस का स्ट्रीजेट का $4, इसलिए शायद बता रहे हो क्योंकि बिल्कुल बॉटम पे होगी एंट्री। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है नियर प्रोटोकॉल की तरफ से। नियर प्रोटोकॉल का जो प्राइस है वो 36% पिछले लास्ट वीक में पंप कर चुका है। इसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे ये NFT में कूद चुका है, Web3 का कॉइन है। मैं हमेशा कहता हूँ ठीक ठाक कॉइन है, मेरी तरफ से इसको ग्रीन सिग्नल है, और ये अच्छे अच्छे एक्सचेंज पर भी है, ये बाइनेंस पर भी है, OB पर भी है, कुकॉइन पर भी है, बढ़िया कॉइन है। नियर प्रोटोकॉल की Web3 का प्रोजेक्ट है, और नियर मेरे हिसाब से 5 में से 3 स्टार या 3.5 स्टार की रेटिंग मैं नियर को दूंगा, बढ़िया कॉइन है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यू निकल के आ रही है पोर्टल जो है वो पार्टनरशिप हो चुकी है चैन लिंक के साथ। तो
ये दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि जब तक आप किसी चीज़ का, मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरी लर्निंग का कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, इस पर मैं इसी चीज़ की चर्चा करूँगा ताकि आपको रियल नॉलेज मालूम हो। अब देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं कि चैन लिंक तो बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा। अरे तुम्हें उसका मालूम है यूज किस क्या होता है? चैन लिंक का यूज किस पता क्या है? जैसे कोई भी फसल मान लीजिए बर्बाद हो गई, उसका डाटा ऊपर सरकार के पास नहीं पहुंच पाता है, तो चैन लिंक इसी में मदद करेगा। वो IoT डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए, वो चीज़ मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ इस चैनल पे। मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार से कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एपिसोड देखते रहिए कंटिन्यू। तो यहाँ पे दोस्तों इससे होगा क्या, चैन लिंक का जो IoT डिवाइसेस के जरिए आप जब यहाँ तक कंटेंट देखें तब आपको समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। तो यहाँ पे चैन लिंक जो है वो इसे IoT डिवाइसेस के जरिए जो डाटा जो है वो ब्लॉकचेन पे डालेगा, ब्लॉकचेन पे के बाद ऑटोमेटिक आपके पैसा आपके अकाउंट में आ जाया करेगा। ये दोस्तों चैन लिंक का जो सिस्टम है ना, ये रियल वर्ल्ड को ब्लॉकचेन पे कनेक्ट कर देगा और रियल डेटा बेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हुआ, सारा कुछ डाटा रिकॉर्ड रहेगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है कि एलन मस्क कह रहे हैं कि डोज क्वाइन इज बेटर सुटेड फॉर ट्रांजेक्शन दैन बिटकॉइन इस टाइम मैगजीन नैन सिम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन में दोस्तों पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला एलन मस्क को। तो यहाँ पे एलन मस्क ने कहा है कि डोज कॉइन बिटकॉइन से बढ़िया है पेमेंट करने के लिए, लेकिन इनका इनकी बात पर मैं कितना सहमत हूँ, हालांकि मैं तो नहीं जानता किस आधार पर ये कह रहे हैं। डोज कॉइन की सप्लाई अनलिमिटेड है तो मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। और ये कुल मिला करके ये इनका ये इतने मूर्ख भी नहीं है कि खुद अपना इन्वेस्ट करें बिटकॉइन में और दुनिया को बता रहे हैं डोज कॉइन पेमेंट के लिए है। कुछ नहीं, ये सिर्फ इनका प्रॉफिट बनाने का चक्कर है। और हम कम्युनिटी में बेवकूफ़ कुछ हैं, वो मतलब मीम टोकन के चक्कर में पैसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो लर्निंग लो और लर्निंग आपको इस चैनल पर मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे कंटेंट एक बार देखिए जाकर के। आप देखोगे नहीं, सिर्फ तकल ताड़ोगे दूर से तो कुछ नहीं समझ आएगा, तुम्हारी बस गंदी सोच यही बनी रहेगी कि यहाँ पे कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए कह रहा हूँ इस कंटेंट को एक बार देखिए जाकर, फुल मेहनत से बनाया गया कंटेंट है। सारे एपिसोड यहाँ पे जाकर के देख डालिए जाकर के। लास्ट एंड फाइनल न्यूज की SNDEX जो एक्सचेंज है उसने $77.7 मिलियन जो है वो क्रिप्टो हैक में ले डाले हैं, यानी कि SNDEX में हैक हो चुका। मैं आपको बता दूँ कुछ दिन पहले कई लोगों के द्वारा SNDEX का पैसा खिला खिला करके प्रचार किया गया था, आज वही SNDEX हैक हो चुका है एक्सचेंज। यह SNDEX किन लोगों ने प्रचार किया था आप जरा देख लीजिएगा यूट्यूब पर सर्च करके, है ना, तो समझ जाएंगे आप। तो SNDEX यहाँ पर $70 मिलियन का क्रिप्टो हैक हो चुका है। तो इस तरह की किसी प्रकार की घटिया हरी गरी एक्सचेंज पर पैसा मत रखा कीजिए, ठीक है ना। तो वो तो प्रमोशन के तौर पर होता है, आप उसे सीरियस ले लेते हैं, है ना। तो ये गलती मत किया कीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ बढ़िया एक्सचेंज पर रिलाई कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का न्यूज सेशन आपको पसंद आएगा। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो शरद कटियार का चैनल है, लर्निंग का कंटेंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे क्रिप्टो रेगुलेशन पर कुछ भी नहीं होगा, देख लीजिए 2 हफ्ता पहले वीडियो बना दी थी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे एपिसोड बाय एपिसोड ब्लॉकचेन का कोर्स आएगा यदि सीखना चाहते हो, वरना इस मार्केट में सिर्फ पंप के तौर पर आए हो कि पैसा हम करोड़पति बन जाएंगे, तो कहीं आए कहीं चले गए। और तुम भी ट्राई कर लो। थैंक यू।